अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। मुझे अनुजारा कहते हैं जनाब, और आपको क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप हमें बता सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन करवाना बेहद जरूरी है, और अफगानिस्तान ने आज अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, इस वर्ल्ड कप में अपना इंट्रोडक्शन करवाया है दुनिया से। वो जो हम कहते थे भाई पाकिस्तान को हरा दिया या श्रीलंका को हरा दिया तो बड़ा अपसेट हो गया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान ने अपसेट हो गया। और अफगानिस्तान की टीम ने हमेशा कहा है कि अगर हम किसी टीम को हरा दें, चाहे वो बड़ी से बड़ी टीम है, उसको अपसेट ना कहा जाए। और आज अफगानिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से खेला है, जिस स्पिरिट से खेला है, दे प्रूव्ड इट कि जब भी हम किसी टीम को हराएंगे तो हमारे अंदर वो वर्थ है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हम इस तरह से खेलते हैं कि ये कोई अपसेट नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है जो कि अचानक से लग गया, ये हमारे खेलने का अंदाज है, ये हमारी अचीवमेंट है, इसे हमारा खेल समझा जाए। अफगानिस्तान ने जनाब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो ग्रुप वन था कि जिसमें आप और हम बातें कर रहे थे कि भाई आसानी से बड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी और एक इंडिया की टीम होगी, ग्रुप को कर दिया है वाइड ओपन। सो इस ग्रुप पे भी बात करेंगे, इसके साथ साथ ये जो कारनामा अफगानिस्तान ने अंजाम दिया इस पे भी बात करेंगे। तारीफ बनती है भाई, जो इनसे ऐसी नेशंस हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान से पहले क्रिकेट खेलना शुरू की, इससे पहले टेस्ट नेशन का रुतबा उन्हें मिला, टेस्ट प्लेइंग नेशन का, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें या आयरलैंड की बात कर लें। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ने क्रिकेट को रिवॉल्व किया है, खेलना शुरू किया है, जिस स्पिरिट से वो खेलते हैं, ये वही ऑस्ट्रेलिया है कि जिसने अफगानिस्तान से खेलने से मना कर दिया था, अगर आपको याद हो, कि जिसके जवाब में राशिद खान ने और नवील उल हक ने कहा था कि अब हम बीबीएल नहीं खेलेंगे, कि भाई अगर उन्हें हमसे नहीं खेलना क्योंकि अफगानिस्तान की वुमेन्स टीम नहीं है वहां पर, जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने जो भी पॉलिसीज थी उनकी उस वजह से पाबंदी लग गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं जी हम नहीं इनसे खेलेंगे, ये तो वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की टीम ने कहा, वजह जो भी थी, आपने हमसे खेलने से मना किया, हियर इज द आंसर। वो जो मुंबई में काम अधूरा रह गया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, और ग्लेन मैक्सवेल बीच में आ गए थे, तो आज अफगानिस्तान ने ग्लेन मैक्सवेल को भी पकड़ के साइड पे किया, और वो जो अपना ख्वाब था, जो अधूरा रह गया था, उसे मुकम्मल कर लिया वेस्ट इंडीज में। मुश्किल पिच थी जनाब, पिच आसान नहीं थी, और अफगानिस्तान ने जब उस पर बैटिंग करना शुरू की, रुक के उनके ओपनर्स ने करना शुरू की, लेकिन मुझे ऐसे वो लग रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे जो बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है ना, वो अफगानिस्तान की है। जितने आप इनके जो पास्ट मैचेस हैं उठा के देखिए, मेरे ख्याल से एक या दो मैचेस हैं कि जिसमें ये आउट हो गए थे, एक इंडिया के खिलाफ नहीं ये खेल सके, एक पीएनजी के खिलाफ भी मेरे ख्याल से इनके ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर मिडल ऑर्डर ने आके वो काम कंप्लीट कर दिया था। तो भाई आज उनके ओपनर्स फिर खड़े हो गए, 118 रन बनाए, मुश्किल पिच थी, जो बॉल था वो बल्ले पे नहीं आ रहा, देखने वाले कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी स्कोर कम था, मुश्किल से बना, तो जनाब पिच भी तो आप देखें किस तरह की थी, आसान पिच नहीं थी, उस पर खड़े रहे, 118 रन की पार्टनरशिप लगाई। और आप देखें जो बाकी जो बल्लेबाज हैं जो बाद में आए इन दोनों के ओपनर्स के बाद में अफगानिस्तान के, उन्होंने कुल मिला के 30 रन बनाए हैं, तो 148 रन बने हैं, और सिर्फ दो ऐसे बैटर्स हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए। यानी ये वर्ल्ड नंबर वन, मैं फिर कहूंगी वर्ल्ड नंबर टू नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं और अपनी पोजीशंस को लेके इतना कंसर्न नहीं है, कोई सहाफी सवाल पूछ ले गुस्सा नहीं आ जाते, नियतों को बीच में नहीं लेके आ जाते, लेकिन उसके बावजूद जब परफॉर्म करते हैं ना, बल्ला बोलता है इनका, अभी भी देखें बल्ला बोला, और एक मुश्किल बॉलिंग अटैक के सामने पैट कमिंस जो कि इससे पहले हैट्रिक लेके आए हैं, आज भी 3 विकेट लिए, एडम जंपा है, जोश हेजलवुड है, इतनी अच्छी इन्होंने बैटिंग की, और अफगानिस्तान का वो जो टोटल था वो जनाब डेट वॉज फेयर इनफ। वो जिस तरह की पिच थी, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को टिकने नहीं दिया, मैक्सवेल ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, 59 रन मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए, लेकिन आज जो गुलबुद्दीन नाइक थे ना, द मसल मैन, वो आज भाई फुल छाए हुए थे। आज फजले फारूकी का डे नहीं था, आज नवील उल हक का डे था, आज गुलबुद्दीन का डे था। और विकेट्स लीं, सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप थी वो 39 रन की मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है। और आप देखें जब उनके कैप्टन आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से इस चीज को एक्सेप्ट किया है,
उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब हमने इन पार्ट्स में डोमिनेंट किया, डोमिनेशन दिखाई, या फिर हमारा ये फेल हो गया, हमारा वो फेल हो गया. उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया ने हमें आज आउटप्ले कर दिया, आज अफगानिस्तान ने हमें आउटप्ले कर दिया, आज अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला और अफगानिस्तान ये विक्ट्री डिजर्व करता है. वो टीयरी आईज, वो इमोशंस, दोज वर मार्वलस जब हम उनको देख रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी. और देखिए अफगानिस्तान की टीम की ये सिर्फ जीत नहीं है, ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना, ये याद रखा जाएगा. इस T20 वर्ल्ड कप में बड़ा कुछ सीखने का मकाम है अगर आप सीखना चाहें तो. सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए नहीं, पाकिस्तानी की टीम को तो सीखना चाहिए ही चाहिए है, लेकिन जो दीगर टीम्स है, जो मिनर्स हैं, उनके लिए भी. वो जिस तरह यूएस से आगे बढ़ रहा है, कोई इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जॉब करते हैं, उसके बाद आके अपने पैशन के लिए खेल रहे हैं. इसी तरह आप अफगानिस्तान को देखें, मुश्किल वहां पे सूरत हाल है और उस तरह से उनका जो बोर्ड है खिलाड़ियों को फैसिलिटेट नहीं करता. नो डाउट कि बड़े बड़े कोचेस को हायर किया जाता है, प्लानिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह की वो वाली फैसिलिटीज नहीं है जो कि बड़े बड़े बोर्ड अपने खिलाड़ियों को देते हैं. और इस सब के बावजूद जब आपने, अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि जब इनके खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलने शुरू की थी तो उसमें इंडिया का भी बड़ा क्रेडिट है, इंडिया ने भी बड़ी इनकी हेल्प की, पाकिस्तान ने भी की. और पाकिस्तान के केपीके में ये खेलते रहे हैं, पाकिस्तान से डोमेस्टिक में इनके खिलाड़ी आके खेला करते थे, लेकिन देखिए उन्होंने रुकने नहीं दिया, ग्रो किया है. और वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया को भी अफगानिस्तान टक्कर देने वाला है. अच्छा, इंडिया के साथ ना एक्चुअली देते कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना अपने पैशन से खेलती है. इंडिया के सामने आते हैं बाज़ लोग, आई डोंट नो, मुझसे कुछ हो सकता है, अग्री ना करें, वो पैशन से नहीं खेलते, कहीं ना वो स्पिरिट दिखाई नहीं देती. अब उसकी क्या वजह है, मोहब्बत ज़्यादा है या ओब्लाइज ज़्यादा है या वो इंडिया की टीम को ज़्यादा अपने ऊपर सर पर सवार कर लेते हैं, बड़ी टीम है, आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन इंडिया के सामने वो स्पिरिट दिखाई नहीं देती. ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है. लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं या दीगर टीम्स के खिलाफ खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, तो जंग की तरह खेलते हैं भाई. और जिस दिन इंडिया के सामने भी इस तरह खेलना शुरू कर दिया ना, मुश्किल हो जाएगी. बल्कि इंडिया के सामने भी अगर हम वो देखें, वो जो होम सीरीज थी इंडिया की, उसमें सुपर ओवर में गेम पहुंचा दी थी, दो सुपर ओवर हुए थे, वो तो आप देखें रोहित शर्मा का वो क्या कहेंगे ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उनकी अच्छी कैप्टनसी थी कि वो गेम इंडिया ने निकाल लिया था. पर इंडिया जैसी टीम को अगर अफगानिस्तान ने सुपर ओवर में पहुंचा दिया और सुपर ओवर के बाद एक और सुपर ओवर में पहुंचा दिया तो भी भाई एक ही बड़ा उनका क्रेडिट था. और अभी अब अफगानिस्तान की बात हो रही है तो अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक सीरीज खेलनी है जिसे होस्ट करना है. अब इससे पहले वो यूएई में होस्ट करते रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस दफा वो इंडिया में होस्ट करेंगे. इंडिया ने ऑफर किया कि ये जो सीरीज है ना आप यहाँ पे खेल सकते हैं, तो हो सकता है जी इंडिया के मैदानों में जल्द ही आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश को खेलते हुए देखें और वो सीरीज अफगानिस्तान होस्ट कर रहा होगा. लेकिन भाई अब जो अफगानिस्तान है उसने खतरे की घंटी बजा दी है भाई और जो ग्रुप को कर दिया है वाइड ओपन. अभी ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच वैसे ही बड़ा जबरदस्त था, वो और भी ज्यादा जबरदस्त हो गया है, क्योंकि अगर अब इंडिया की टीम हार जाती है तो मसले मसाइल हो जाएंगे और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार जाएगी तो मसले मसाइल है. और जी अगर आप देखें बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे अफगानिस्तान, जो कि बिल्कुल हरा सकता है, और आगे से ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया को बड़े मार्जिन से हरा दे तो इंडिया के लिए मुश्किल मसाइल हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है वो आगे ना पहुंच सके. और इसी तरह सेम ये जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है. तो जी ये जो ग्रुप ए था और ग्रुप वन था और ग्रुप टू था ये वाइड ओपन कर दिए हैं थैंक्स टू वेस्ट इंडीज एंड थैंक्स टू अफगानिस्तान के, जिन्होंने भाई क्रिकेट के स्पिरिट को कहीं जाने नहीं दिया, क्रिकेट की स्पिरिट जारी है. और जी अब सीखने का मुकाम है हमारे खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए जो कि अपनी वोकेशन इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, कि वो सीखें, देखें किस तरह से ये खेल रहे हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, जल होके खेल रहे हैं. वो जो हमारे कैंप से खबरें आ रही थी ना खिलाड़ियों के दिल नहीं मिले हुए, वैसे तो रिजवान ने आके इस चीज का पोल खोल ही दिया था कि वाकई नहीं दिल मिले हुए, लेकिन अभी भी जो बाबर ने ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी थी, गैरी क्रिस्टन की स्पीच, तो आप और हम तक पहुंच ही गई थी ना मालूम रिसोर्सेज के जरिए. तो जनाब बाबर ने भी यही कहा था कि
मुझे पता है जो लोग जो मेरे बारे में बातें करते हैं सोचते हैं, और इस तरह की उन्होंने कुछ स्पीच की थी वहां पे, आज ने भी की थी। यानी देखिए जो टीम थी ना वो जल नहीं थी, अलग अलग थे, और वो अलग अलग थे यही रिजल्ट आया। मुझे बाबर आजम पे हैरत है, उन्होंने स्पीच में कहा भाई कि मुझे तो ये जो कैंप है, ये जो टीम है, ज्वाइन करने से पहले ही पता था कौन मेरे खिलाफ क्या बोल रहा है। जब बाबर आजम को पता था कि उनकी कैप्टनसी से इतने मसले मसाइल हैं, तो उन्होंने अपने से पहले मुल्क को क्यों नहीं रखा, उन्होंने उस वक्त मोहसिन नकवी से क्यों नहीं कहा कि नहीं मेरे ख्याल से मेरा कैप्टन बनना ठीक नहीं है, लोग इतने राजी नहीं है, आप किसी और को बना दें। लेकिन इतना बड़ा दिल हम कहां से लेके आए, वो तो अभी भी कैप्टनसी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो होती है ना बड़े दिल वाली बातें, ये बड़ी बड़ी कौमें करती हैं, और पाकिस्तान में तो मैंने आज तक किसी चेयरमैन पीसीबी को या किसी कैप्टन को या इवन किसी वजीर को इस वजह से मुस्ताफी होते हुए नहीं देखा, रिजाइन करते हुए नहीं देखा कि जनाब वो अच्छा ना कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है सैलरी आ रही है, मजे आ रहे हैं, ऐश हो रहे हैं, टीम का भी वही हाल है, जो मर्जी करें हम तो अपना इंजॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से जो हमारी टीम है उसके ये हालात हैं और हमारे मुल्क के ये हालात हैं। बहरहाल जी हमारा तो ये रोना गाना है, चलता रहता है, मुल्क जिस टाइम से गुजर रहा है, टीम जिस फेज से गुजर रही है, तो अफसोस तो होता है, दिल तो दुखता है, लेकिन जी ये अफगानिस्तान की बड़ी विक्ट्री है, और ये अफगानिस्तान के फैंस को बहुत मुबारक हो, और क्रिकेट लवर्स को बड़ा मुबारक हो। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि अफगानिस्तान ने इतने अच्छे से खेला है। पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेजेस पर नहीं हरा पाया, अफगानिस्तान ने वो काम कर दिया। बड़ी छोटी टीम कोई नहीं होती, अफगानिस्तान ने बताया, जब आप खेलते हैं, जुड़ के खेलते हैं, एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के तहत खेलते हैं, स्पिरिट के साथ खेलते हैं, तो जीत आपकी होती है। और जी आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचते हैं, आप लोगों का फीडबैक मुझ तक पहुँचता है, बड़ी खुशी होती है। और इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों के कहने के बावजूद, आप में से कुछ लोगों के और कहने पर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग उसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों के मैसेजेस का फीडबैक का बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान है।